So, I was asking about the difference between parenchyma and meristematic. So, one student from 9th F, she has told me कि देर इज वन डिफरेंस. इफ इन द टू स्पेसिमेंस इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इट मींस इट इज ए पेरेन्काइमा, वेयर एज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द सेल्स आर. क्लोजली पैक्ड. पैक्ड तो देयरफॉर इट इज, सो देयरफॉर दिस इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स. टाइटली पैक्ड. देन देयर इज वन मोर डिफरेंस. अ स्टूडेंट फ्रॉम 9th B हैज टोल्ड मी, बट दैट वॉज, यू नो स्टूडेंट, आई थिंक शी वॉज नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, कि इन मरिस्टेमेटिक टिश्यू नो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन पेरेन्काइमा देयर इज प्रेजेंट वैक्यूल्स, मे बी मोर देन वन वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल और मोर देन वन वैक्यूल दे आर प्रेजेंट. सो दैट आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा. इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नो वैक्यूल. सो डिफरेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. पेरेन्काइमा में इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट. मरिस्टेमेटिक टिश्यूज नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस नो वैक्यूल. राइट, लिख लो ये डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड मरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑल्दो बोथ आर थिन वॉल्ड. क्विकली राइट डाउन, और फिर मैं रीजन आपसे पूछूंगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स क्यों नहीं है, ये आई एम गोइंग टू आस्क, बट पहले ये लिख लो. अनडिफरेंशिएटेड मीन्स डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट डिवीजन. नो, द अदर थिंग्स यू हैव टू टेल मी. थर्ड आपने मुझे बताना है थिन और थिक वॉल्ड. यू हैव टू टेल मी कि ये थिन वॉल्ड है कि थिक वॉल्ड है. इन्वॉल्व अभी अभी हम देखेंगे. रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई और लो. साइटोप्लाज्म डेंस और लेस डेंस. अभी 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 यू विल टेल मी, बट लेट मी. न्यूक्लियस नॉट प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंट. रिजर्व फूड
प्रेजेंट और एब्सेंट। वैक्यूल्स प्रेजेंट और एब्सेंट, राइट। दो पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। देन वी कम टू नाइन्थ ए, हिमांशु। नाइन्थ ए हिमांशु, एब्सेंट सुखप्रीत। सुप्रीत, आपने मुझे बताना है कि दीज मरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स है, आर दे थिन वॉल्ड के थिक वॉल्ड। हाँ जी बेटा, नाइन्थ है, जल्दी से बोलो। हाँ, थिक वॉल्ड है बेटा, जो थिक वॉल है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, एक ये है थिक वॉल और एक ये थिन वॉल है, कौन जल्दी डिवाइड कर सकता है? ए की बी? बी बी। तो मुझे बताओ कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स थिन होंगे कि थिक होंगे? थिन थिन वॉल्ड होंगे बेटा, थिक वॉल्ड सेल्स तो डिवाइड ही नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा यंग रहते हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना। थिक वॉल कब होगी? जब बूढ़े हो जाते हैं सेल्स, राइट। सो दीज आर थिन वॉल्ड। बैठो। देन नाइन्थ सी, नाइन्थ सी आ जाइए, राहुल। राहुल है, खुशबू, सुप्रीत, नाइन्थ सी खुशबू इज देयर, अरे एब्सेंट हरमन। का हरमन जल्दी से, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स हरमन। सो डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हाई? दे हैव हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज फॉर डिवीजन। वेरी गुड हरमन, बैठो। बिकॉज फॉर डिवीजन दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, डिवाइड 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 कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन बाय रेस्पिरेशन, राइट। नाइन्थ डी पूनम। हाँ जी पूनम, साइटोप्लाज्म डेंस है कि लेस डेंस है? बहुत सारा साइटोप्लाज्म है कि थोड़ा सा ही साइटोप्लाज्म है? यस पूनम, नाइन्थ डी। मुझे सुननी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई डोंट नो, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है। चलिए मुझे आप थोड़ा सा फिंगर से करके दिखाइए। वन की टू डेंस है, वन लेस डेंस है, टू ऊपर करके। इट इज वन, दे हैव डेंस, बिल्कुल ठीक है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स किस में? साइटोप्लाज्म में। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। देन न्यूक्लियस, नाइन्थ ई, नाइन्थ ई इज गुरप्रभ, हाय एब्सेंट हे हरगुन, लेफ्ट करण, देविंदर, एब्सेंट एब्सेंट हर्ष, शिफ्टेड मंजोत, यस मंजोत। टेल मी न्यूक्लियस इसमें दिखता है क्लियरली कि नहीं दिखता? इधर उधर मत देखो, सामने देख के। प्रोमिनेंट और लेस प्रोमिनेंट? दिखता दिखता है, प्रोमिनेंट है बेटा, वेरी प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट। बैठो बेटा। नाइन्थ एफ नवजोत, नाइन्थ एफ नवजोत। हां जी बेटा, यस है नवजोत, खड़े हो जाओ। हाँ अभी, अच्छा आगे ही है। टेल मी रिजर्व फूड प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट नहीं बेटा, रिजर्व फूड इसमें प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जितना खाना आता है ये खा जाते हैं, क्योंकि डिवाइडिंग है, राइट। सो बैठो बेटा।
दे डू नॉट हैव रिजर्व फूड बिकॉज ये लगता तो है डिवाइड कर रहे हैं इन्होंने बहुत खाना जमा किया. नो दे डोंट हैव रिजर्व फूड बिकॉज दे हैव हाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सो दे कंज्यूम फूड क्विकली राइट एंड दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स. ये आपको बता दिया, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए एवरीबडी. जिसको नहीं पता कोई वो लिख लो क्विकली, बुक्स बंद कर दो. ठीक है जी. सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स लैक वैक्यूम्स. ये आप वॉलंटरिली बताएंगे, रेज योर हैंड्स. व्हाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स लैक वैक्यूम्स. हाँ जी, किसको पता है बेटा? ये ढीलेपन में आप नहीं हाथ खड़ा कर रहे कि आपको नहीं पता. यस टेल मी, डू यू नो और नॉट? नो यस यस, हु नोज द आंसर? बोलो बेटा जल्दी से. एंड दे आर डेंसली पैक्ड दे, हाँ, डेंसली पैक्ड दे आर डेंसली पैक्ड इसलिए. यस नहीं बेटा, पहले अच्छा मुझे ये बताओ, सेल स्ट्रक्चर. यू नो सेल स्ट्रक्चर आपने किया, सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल? फिर पता चल जाएगा आपको. वैक्यूल का फंक्शन कौन बताएगा जल्दी से? डू यू रिमेम्बर? हाँ बोलो बोलो. 9C. हाँ, स्टोरेज स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट. डू वैक्यूल्स हैव स्टोर्ड फूड? डू वैक्यूल्स हैव स्टोर्ड फूड? सही यस अभी हमने एक मिनट, ये हमने क्या कहा है? रिजर्व फूड का क्या मतलब है? स्टोर्ड फूड ही है बेटा, रिजर्व फूड और स्टोर्ड फूड. क्या बताया है? नो दे डू नॉट हैव स्टोर्ड फूड, क्योंकि स्टोर्ड फूड भी नहीं है और क्योंकि ये सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं क्विकली, इसलिए इसमें कोई वेस्ट मटेरियल भी नहीं है. तो अब मुझे बताओ, डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिक्वायर वैक्यूल्स? नो नो, बिकॉज बिकॉज वैक्यूल्स का क्या है? स्टोर्ड फूड, स्टोरेज ऑफ वेस्ट. सो व्हाट इज द आंसर? दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड क्विकली, पहली बात. कंज्यूम फूड क्विकली, डू नॉट अंडरगो एजिंग, कंज्यूम फूड क्विकली इस कारण से. नो रिजर्व और स्टोर्ड फूड. और क्योंकि एजिंग नहीं हो रही तो नो वेस्ट. नए नए सेल्स बन रहे हैं. तो अब मुझे बताइए, डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिक्वायर वैक्यूल्स? नो दे डू नॉट रिक्वायर, देयरफॉर वैक्यूल्स एब्सेंट. ये बेटा रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये जरूर लिखो.
आप ये मत सोचो कि हमें याद हो गया। राइट डाउन इन योर असाइनमेंट ओनली, शायद असाइनमेंट आप संभाल के रखते हैं, उधर ही ऊपर करके लिख लो क्विकली। एवरीबडी, रीजन असर्शन में क्वेश्चन ये आएगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं किताब खोल के देख लो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है, आपने ये लिख लिया, इसका मतलब एक नंबर आपका पक्का हो गया, दिसंबर टेस्ट में भी और फाइनल में भी। ओके डन, चले आगे। बोला करो यस और नो कुछ तो। यस हाँ, ऐसे लगता है कि भी हमारे में टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, हमने कल झगड़ा किया हुआ है इसलिए हमने नहीं बात करनी मैम के साथ आज, कल मैडम ने बहुत डांटा था हमें, ऐसा तो नहीं है ना? नो वी आर ऑन टॉकिंग टर्म्स। हाँ देन सो वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यूज, राइट? टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड आई हैव टोल्ड यू दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो बाकी क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड का ऑपोजिट क्या है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल ठीक है। सो वी कैन से हियर टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स वी हैव थ्री टाइप ऑफ सेल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड। व्हाट इज द डिफरेंस? ये वाला सुना है आपने, अनडिफरेंशिएटेड, यस और नो? मेरे मुंह से ही सुन लिया है ना, डिफरेंशिएटेड भी सुन लिया। यस, डी डिफरेंशिएटेड कितने बच्चों ने सुना हुआ है पहले? मेरे मुंह से तो अभी सुना है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डी डिफरेंशिएटेड? यस, जल्दी से क्विक, नोबडी। चलिए, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है विच आर डिवाइडिंग सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो। एंड रिमेन डिवाइडिंग या रिमेन अनडिफरेंशिएटेड। मैम हाँ जी, एक बार दोबारा से करेंगे रिपीट यस, कौन सा बेटा? मैम, जो भी आप करवा रहे हो अनडिफरेंशिएटेड। मैं अभी अभी तो मैंने शुरू ही किया बेटा, आई एम डूइंग, मैं अभी यही करवा रही हूँ, अभी तो शुरू किया, अभी मैं सिर्फ लिखा है, समझाती हूँ मैं अभी आपको। रिमेन अनडिफरेंशिएटेड इन द प्लांट। बहुत छोटी क्लासेस से आपने ये वाला डायग्राम देख रहे हो, यस और नो? डू यू रिमेम्बर दिस डायग्राम? रेज योर हैंड्स जिस जिसने देखा है, जल्दी से एवरीबडी, जिस जिसने ये डायग्राम देखा है, किसका है ये? सिर्फ एक 9th C ने देखा है, बाकी सब 9th E भी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, किसका है जल्दी से बताओ, किसका है ये? किडनी
हाय किडनी, मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, हाय हाय इतना जुलम ना करो बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, है ना, ये प्लांट एम्ब्रियो है बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से जितने डायग्राम बनाओगे, आर यू देयर, यस, जितने डायग्राम बनाओगे उतनी चीजें समझ में आएगी। ये प्लांट एम्ब्रियो है, ध्यान से समझना है। ये है प्लूमूल, ये है कॉटिलिडन्स। सिक्स क्लास से पढ़ रहे हो आज, मैंने सिक्स क्लास सुबह पढ़ाई है ये चीज। और ये है रेडिकल, बाकी और भी चीजें, बट ये तीन चीजें हैं। ठीक है, हम यहां पे बात करेंगे आपकी रेडिकल की। रेडिकल के सेल्स डिवाइड करते हैं और जो नए सेल्स बनते हैं दे फॉर्म द रूट। रेडिकल फॉर्म रूट एपेक्स, रूट एपेक्स मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टम हू सेल्स डिवाइड दैट फॉर्म द रूट्स, वेयर एज प्लूमूल इट फॉर्म्स शूट एपेक्स, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, ये मैं अगले पेज पे चल के आपको हम दिखाते हैं कि ये दिस इज शूट, दिस इज रूट। ये रूट की ये जो टिप है, दिस इज रूट एपेक्स, और ये जो है दिस इज शूट एपेक्स। ये किससे बनी है? रूट एपेक्स बनी है रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से, और शूट एपेक्स बनी है प्लूमूल। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ही मैं बता रही हूँ, ये एम्ब्रियो के पार्ट्स है जिन्होंने ये बनाया। रूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक है, इसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं एंड न्यू सेल्स फॉर्म द रूट। शूट एपेक्स इट सेल्स डिवाइड एंड दे फॉर्म स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स। एम आई राइट, यस और नो? यस ओके, सो इट मीन्स रेडिकल प्लूमूल मेरिस्टेमेटिक थे, उन्होंने रूट एपेक्स बनाई, उन्होंने शूट एपेक्स बनाई। रूट एपेक्स हमेशा से ही मेरिस्टेमेटिक था, शूट एपेक्स हमेशा से ही एम्ब्रियो में भी मेरिस्टेमेटिक, आगे भी मेरिस्टेमेटिक। दे हैव अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है सिर्फ उनका काम है डिवाइड करना, डिवाइड 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 डिवाइड, और कुछ नहीं ये करते। उसके बाद आ जाता है, सो अनडिफरेंशिएटेड मैंने आपको ये बताया था कि द सेल्स जो पहले से भी या जो कभी भी किसी भी टाइम इन्होंने कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, नाइन्थ ए में से समझ आ गई बेटा अनडिफरेंशिएटेड क्या है? दे नेवर परफॉर्म्ड एनी स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंशिएटेड, ये मेरिस्टेमेटिक सेल था, ये डिवाइड किया, दो सेल्स बने, ये मेरिस्टेमेटिक ही रहा, ये आगे चल के डिफरेंशिएट कर गया टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? सो डिफरेंशिएटेड सेल्स दे लूज द फंक्शन ऑफ डिवीजन, या दे लूज पावर ऑफ डिवीजन एंड मॉडिफाई
टू परफॉर्म. स्पेसिफिक फंक्शन जैसे नए सेल बने, दे डेवलप थिक वॉल्स एंड दे स्टार्ट यू नो सपोर्टिंग द प्लांट दैट डिफरेंशिएट्स इनटू स्क्लेरेन्काइमा. है ना, एक नया सेल बना, उसने अपना साइज बढ़ाया, वॉल्स थिक की और उन्होंने प्लांट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. सो हम कह देते हैं ये अब डिफरेंशिएटेड सेल है. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दे डू नॉट डिवाइड बट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी. जाइलम फ्लोएम के जो सेल्स है दे परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी, सो दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स. एंड डी डिफरेंशिएटेड, प्लांट को कहीं पे इंजरी हो गई. अब इंजरी पार्क को रीजनरेट कैसे करना है, वहां पे पुराने सेल्स तो मर गए, नए सेल्स कैसे आए. वहां पे जो पेरेन्काइमा सेल्स है दे लूज देयर स्पेसिफिक फंक्शन. ध्यान से सुनो, यस नाइन्थ एफ, ध्यान से पहले सुनो, दे लूज देयर स्पेसिफिक फंक्शन, रीगेन द प्रॉपर्टी टू डिवाइड, दैट इज डी डिफरेंशिएटेड. तो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स व्हेन, ध्यान से, हम दूसरे पेन से लिख लें इसको जरा. व्हेन स्पेसिफिकली पेरेन्काइमा सेल्स, नॉट अदर सेल्स, व्हेन पेरेन्काइमा सेल्स लूज देयर स्पेसिफिक फंक्शन. एंड रीगेन द एक्टिविटी टू डिवाइड, दे आर कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएटेड सेल. राइट, थ्री टाइप के सेल्स है, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड. लिख लो अब ये तीनों, राइट डाउन क्विकली एवरीबडी. डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हेल्प इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज इन प्लांट्स, इंजर्ड टिश्यूज इन प्लांट्स. इज इट ओके? ठीक है जी. तो रिमेंबर दैट ओनली पेरेन्काइमा सेल्स डी डिफरेंशिएट. लिखो नीचे एक लाइन, राइट डाउन रीजन असर्शन में से वन मोर क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट करके. ओनली पेरेन्काइमा सेल्स कैन डी डिफरेंशिएट बिकॉज दे आर लिविंग एंड इनवॉल्व्ड, बिकॉज दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड. इज इट राइट? ठीक है जी, चलिए. कैन यू प्लीज गिव अ साइड? यस यस, थैंक यू. डन बेटा, करें आगे. सो एज यू हैव सीन दैट हियर, कैन यू सी इट? एक मिनट में थोड़ा सा. Is it visible? Yes. You can see here meristematic tissues. These are of three types: apical meristems, intercalary meristems, and lateral meristems.
एपिकल मेरिस्टम्स यू नो, एट द टिप, एपेक्स का मतलब होता है टिप पे जो प्रेजेंट है, रूट एपेक्स, और दूसरा क्या है, शूट एपेक्स. दिस इज शूट एपेक्स. और एपिकल मेरिस्टम्स का क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द शूट या हाइट ऑफ द रूट. इंट्रकैलरी मेरिस्टम जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में है, लेट अस से ये शुगर केन है. शुगर केन में आपको क्लियरली, बाकी प्लांट्स में भी होते हैं बट शुगर केन में आपको ये नोड्स और इंटर नोड्स क्लियरली नजर आती है, यस और नो? यस तो दीज आर प्रेजेंट. जो इंट्रकैलरी मेरिस्टम है बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट हेयर, थोड़ा सा मैं, दीज आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द नोड्स, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? इंट्रकैलरी मेरिस्टम अबव एंड बिलो द नोड्स प्रेजेंट है, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है? इसीलिए बेटा हम शुगर केन, आप सब फार्मर विलेजेस में, आसपास विलेजेस के आसपास रहते हो, आपने देखा होगा शुगर केन ग्रो करते हैं. तो शुगर केन को कभी भी हम जड़ से नहीं निकालते, हम ऊपर से काटते हैं. अगेन द शुगर केन, हम कहते हैं शुगर केन की एपेक्स तो टूट गई, एपिकल मेरिस्टम तो खत्म हो गया, फिर ये कैसे ग्रो करता है? विद द हेल्प ऑफ इंट्रकैलरी मेरिस्टम, यस और नो? ठीक है, तो अगर हम ये कहें ना कि पिछले साल गन्ने बहुत हुए थे, इस बार जो हमने सीड्स डाले गन्ने के वो ग्रो नहीं किए, इसलिए गन्ने की फसल कम हुई है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज द देयर अकर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. ठीक है, हम ऊपर ऊपर से गन्नों को काटते हैं और नीचे से वो फिर ग्रो कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगेन मैंने क्या बताया है, इंट्रकैलरी मेरिस्टम. एंड देन लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स, यहां पे देयर सेल्स डिवाइड टुवर्ड दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्लांट. अगेन एपिकल मेरिस्टम, इंट्रकैलरी मेरिस्टम इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट, लेटरल मेरिस्टम इंक्रीजेस द गर्थ, डायमीटर ऑफ द प्लांट. इज इट ओके? राइट, सो एपिकल मेरिस्टम रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, इंट्रकैलरी इज इंट्रकैलरी, लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल आ जाती है डिफरेंट केम्बियम्स. हैव यू हर्ड अबाउट? सो केम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम. आई विल टेल यू टुमोरो मे बी, है ना, कि केम्बियम कहाँ पर होता है. राइट, सो केम्बियम हेल्प्स इन. चलिए जल्दी से, आप सबके पास असाइनमेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 कीजिए क्वेश्चन फटाफट से. 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, देन 7, 7 तक कीजिए जल्दी. गिविंग यू 5 मिनट्स, 7 क्वेश्चंस, 5 मिनट्स. हाँ जी, हमने दो प्लांट्स रखे हैं, एक की हमने शूट एपेक्स रिमूव कर दी, एक की शूट एपेक्स है. तो व्हाट वाज टीना ट्राइंग टू फाइंड आउट? तो उसने कुछ टाइम बाद उन प्लांट्स की हाइट देखी. पहली बात तो मुझे ये भी करिए कि प्लांट ए, प्लांट वन एंड प्लांट टू, किसकी हाइट थोड़े दिन बाद बढ़ी और किसकी नहीं बढ़ी? प्लांट वन की, प्लांट ए की। प्लांट ए की हाइट बढ़ गई, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. व्हाट वाज टीना ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इससे कैसे क्या पता चला उसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शूट एपेक्स? यस, उसे हाँ बोलो बोलो बेटा. ये जो तुम्हारा फ्रेंड हेल्प कर रहा है ना, इसको कोई यही बताएगा. हाँ बोलो बेटा, आप बोलो. हाँ मैम जिसकी कटी हुई होगी मैम वो ग्रोथ के अंदर धीरे ग्रो होगा। नहीं, हम ये कह, पहले सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो,
कि इसका इस एक्सपेरिमेंट का उसने टीना ने क्यों फाइंड आउट किया, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टम. फ्रॉम दिस टीना कंक्लूडेड दैट एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट. समझ में आई कि जिसका शूट एपेक्स है वो उसकी हाइट ग्रो कर गई. इसका मतलब है शूट एपेक्स का क्या फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट. बैठो. तो व्हाट वाज टीना ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, शी वाज ट्राइंग टू नो द फंक्शन ऑफ द शूट एपेक्स. लिख लो असाइनमेंट में, लिख लो शी वाज ट्राइंग टू नो द फंक्शन ऑफ द शूट एपेक्स. एंड शी फाउंड दैट शूट एपेक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द प्लांट. शी फाउंड दैट, आई एम रिपीटिंग, एंड शी फाउंड दैट शूट एपेक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट. यस, इसका बी पार्ट इनवैलिड, मतलब उसने कौन सी कंडीशंस कांस्टेंट की दोनों में, कौन सी नहीं की. कीपिंग वन प्लांट इन सनलाइट एंड द अदर इन ए डार्क रूम. अगर वो ऐसे रखेगी एक को सनलाइट में एक को डार्क में, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा एपेक्स का फंक्शन, राइट. तो दिस इज, वुड दिस हैव मेड द एक्सपेरिमेंट इनवैलिड? यस. यस अगर वो ऐसे करेगी तो एक्सपेरिमेंट इनवैलिड हो जाएगा. इनवैलिड मीन्स उसका कोई काम नहीं रहेगा, एक्सपेरिमेंट का कुछ निकलेगा ही नहीं कंक्लूजन. सेकेंड है वॉटरिंग बोथ द प्लांट्स इक्वली. नो नो, बिल्कुल ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल नॉट मेक इनवैलिड. एडिंग मेन्योर टू द सॉयल ऑफ प्लांट वन ओनली. यस, एडिंग मेन्योर, यस, जो थर्ड है एडिंग मेन्योर टू द सॉयल ऑफ प्लांट वन ओनली, दिस ऑल्सो विल मेक द एक्सपेरिमेंट इनवैलिड. क्योंकि अगर एक को ही मेन्योर देंगे तो दूसरा वैसे ही नहीं ग्रो करेगा, तो शूट एपेक्स का फंक्शन कैसे पता चलेगा. सो यस, दूसरा है नो और थर्ड इज ऑल्सो यस, राइट. चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है, नाइन्थ बी, अंगद. नाइन्थ बी अंगद, हाँ जी, नाइन्थ बी फर्स्ट स्टूडेंट मिडल रो. हाँ जी बेटा बोलो आप. व्हाई डू सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम लैक वैक्यूल्स? दे कीप ऑन डिवाइडिंग। यस, बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, राइट. बिल्कुल ठीक है. देन नाइन्थ सी, नाइन्थ सी आ जाइए बेटा. दिवांशु इज देयर? नाइन्थ सी दिवांशु बेटा, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही, बट आप मुझे 1 2 3 4 अपने ये बता दीजिए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर कौन सा है, 1 2 3 की 4? यस दिवांशु, जल्दी से ऊपर करके, ऊपर करके. इट इज थर्ड, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर लोकलाइज्ड बिकॉज दीज आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशंस, दैट्स व्हाई दे आर लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइन्थ डी, चाहत. चाहत इज देयर नाइन्थ डी? Yes, he's here. हाँ बोलो बोलो बेटा, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से. थर्ड इफ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव, जल्दी से बेटा, टाइम हो गया, जल्दी से बोलो फर्स्ट बेटा. किसकी, अगर हम टिप शुगर केन को ऊपर से काट देते तो वो किसकी हेल्प से ग्रो करता है? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी की लेटरल. एपिकल हाँ हाय रब्बा, हम इतना बता दिया, लेटरल तो उसकी थिकनेस है. एपिकल और कैलरी इंटरकैलरी, एपिकल तो हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ रह गया इंटरकैलरी. एमपी हाँ, सो आंसर इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टम.
बी ऑप्शन, ए नेल इज इंसर्टेड, जल्दी से, नाइन्थ ई, कामना, कामना इज देयर, नाइन्थ डी, एब्सेंट देन वरुण, नाइन्थ डी वरुण, प्रेजेंट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ जी, नाइन्थ ई वरुण, बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, अपवर्ड मूव अपवर्ड। बेटा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमने इधर नेल लगा दी, प्लांट इधर से ग्रो कर रहा है, ये वाले सेल्स, तो नेल ऊपर जाएगी कि वहीं पर रहेगी? रहेगी। वहीं पर रहेगी बेटा, क्योंकि बिकॉज द प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम, वो ऊपर नए सेल्स ऐड कर रहा है, नीचे से नहीं ग्रो हो रहे, वो ऊपर से ही ग्रो हो रहा है, सो इट विल रिमेन देयर। सो सी ऑप्शन, रिमेन इन द सेम पोजिशन। नाइन्थ एफ, मिलन ज्योत। शिफ्टेड हाँ जी, है नाइन्थ एफ, है मिलन ज्योत, मैम, शिफ्टेड 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 है, दिव्यांशु इज दिव्यांशी। चलिए कोई भी बताइए, नाइन्थ एफ में से फिफ्थ क्वेश्चन, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, मेरिस्टम इट इज लेटरल मेरिस्टम, बिल्कुल ठीक है, बीटा ऑप्शन, बॉम्बे। पेरेन्काइमा सेल्स डिफर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन इट्स, यस, क्या आएगा? हैविंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी है, बेचारा इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा है। पहला क्वेश्चन मैंने, क्या लेटरल आएगा लेटरल बेटा? पेरेन्काइमा सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में पूछ रही हूँ। अनइवन ए मेरे मालिक, मैं तो सारा चैप्टर पढ़ाता आज दा। अगेन यू आर सेइंग अनइवन थिकनिंग्स, नो, मैम, वो लैटर साइज वेल यस, डेवलप्ड। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नो वैक्यूल्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यू कैन सी हियर, दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स हैविंग वैक्यूल्स, हैविंग इंट्रासेलुलर स्पेसेस, राइट? सो आंसर इज कि पेरेन्काइमा सेल्स लार्ज इन साइज है, वैक्यूल है, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल है, इसलिए साइटोप्लाज्म पेरिफ्री में है। ठीक है जी, सो ये हमने करने थे, बाकी हम कल करेंगे, बट मैम, यहाँ। बट हाँ जी, सिक्स्थ सिक्स्थ का आंसर क्या का आंसर है बेटा डेल्टा, दिल्ली। मैम। ठीक है, अगेन हम कल, ये मैं आपसे पूछूंगी एंड देन वी विल मूव फर्दर, राइट? ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। मैम कैन यू रिपीट सिक्स प्लीज। सिक्स में बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम, दोबारा से एक बार देख लो बस, वैसे टाइम हो गया बट फिर भी, कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बट लार्ज न्यूक्लियस, वेयर एज दिस इज न्यूक्लियस, वेयर एज पेरेन्काइमा सेल्स लार्ज इन साइज हैविंग इंट्रासेलुलर स्पेसेस है, और यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज वैक्यूल्स, ये न्यूक्लियस है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म कहाँ पे आ गया? पेरिफ्री में, ठीक है कि नहीं? ये साइटोप्लाज्म आ गया, तो दे आर लार्जर इन साइज, हैव लार्ज वैक्यूल एंड पेरिफ्रल साइटोप्लाज्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन ये वाला नहीं है, ये सेवेंथ क्वेश्चन है। ये सेवंथ क्वेश्चन है, टेस्ट जॉब करवा रहे हो वो सेवेंथ है। पैरेन्काइमा सिक्स्थ बताइए आपके पास, मेरे पास तो यही। अच्छा आप बताओ, सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है? सेल्स आर, पेरेन्काइमा सेल्स सेल्स आर, आगे बताइए, आगे क्या लिखा है? ए ऑप्शन रिलेटिवली स्पेशलाइज्ड एंड थिन वॉल्ड, बी बी ऑप्शन लिग्निफाइड, सी ऑप्शन थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, सी नन ऑफ दीज। ए क्या है? रिलेटिवली रिलेटिव अनस्पेशलाइज्ड एंड थिन वॉल्ड, यस, इसका फिर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? रिलेटिवली थिन वॉल्ड जो भी है, ठीक यस थैंक यू। है।
और ये मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं, आई डोंट नो व्हाई कहाँ चला गया, बट चलिए फटाफट से कि ये वाला एंड पेरेन्काइमा सेल्स डिफर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये हो गया, इज इट ओके? ठीक यस, है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू मैम. बाय बाय.